अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुंबई स्टाइल मटन नान चाप। सो ये बहुत ही फेमस स्टार्टर है मुंबई का। इनफैक्ट ये बड़े बूढ़े बच्चे सब पसंद करते हैं और इसे बनाया है फेमस केटरर्स ने। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे 1 kg में आप कितने सारे मटन चाप घर पे बना सकते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपको 1 kg मटन ले लेना है। आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, बफेलो ले सकते हैं, इनफैक्ट चिकन भी ले सकते हैं, बट चिकन को ज़्यादा सीटी नहीं देना है। आपको सिर्फ मटन को बॉयल करना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको, ना नमक ना हल्दी, कुछ भी नहीं। आपको 5 से 6 सीटी देना है इसे और अच्छे से गला लेना है, छोटे छोटे पीसेस करना है। इसको थोड़ा सा हरा मसाला ले लेना है, जैसे 1 tablespoon जिंजर, 1 tablespoon गार्लिक और 2 tablespoon ग्रीन चिली का पेस्ट। ठीक है, ये है ऑयल जिसमें ब्रिस्ता बनाया हुआ था। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ कर लीजिए। अब ये सब डाल के आपको अच्छे से इसे भून लेना है ताकि पूरा जो कच्चा स्मेल होता है हरा मसाले का वो चले जाए। इसमें जाएगा हल्दी। ठीक है, तो हल्दी आपका है 1/2 teaspoon, रेड चिली पाउडर है 1 tablespoon, धनिया पाउडर है 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर है 1.5 teaspoon, ज़ीरा है इसके अंदर 1 teaspoon, इसके बाद जाएगा नमक। तो सारे जो इंग्रेडिएंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सो डू नॉट वरी, मैंने आपको 1 kg के हिसाब से बताया है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये बन रहा है 20 kgs के हिसाब से। ठीक है, तो आप घर पे 1 kg बनाइए तो आराम से 50-60 नान चाप आप घर पे एकदम आराम से बना सकते हैं, वो भी केटरिंग स्टाइल वाला जो आप बाज़ार में खाते हैं और बड़े शौक से पसंद करते हैं। तो सब मसाले आप डाल दीजिए, उसके बाद ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये मटन जिसमें हमने बॉईल किया था उसका पानी आप थोड़ा सा डाल दीजिए। तो इतना पानी मत डालना कि आपको सुखाते सुखाते बहुत टाइम लग जाए। हल्का सा, जैसे हम एक ग्रेवी बनाने के लिए मसाला ना जले उतना पानी डालते हैं, बस उतना ही डालना है आपको। इसका हमें एक थिक मसाला बनाना है। ठीक है, थिक मसाला बनाना है और अलग से हमें एक ओनियन और टमाटो का ये बनाना है, भुना या फिर फ्राई भी बोल सकते हैं। तो 2 मसाले बनेंगे इसके, एक मटन वाले और एक ये प्याज वाले। तो ऑयल ले लीजिए, 250 ग्राम चॉप्ड ओनियंस ले लीजिए और 200 ग्राम टमाटो ले लीजिए चॉप्ड बारीक कटे हुए। अब थोड़ा सा इसे फ्राई करना है आपको, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जब तक कि ओनियन और टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए। सो गाइज, लास्ट टाइम हमने चिकन अंगारा की रेसिपी अपलोड की थी 1 kg की। सो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई थी। सो जिसने अभी तक नहीं देखा है उसे ज़रूर देखे, बहुत ही मज़े की मेकिंग है चिकन अंगारा की। मुंबई में तो काफ़ी ये ट्रेंडिंग में चलता है, शादियों में, पार्टियों। अब जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाए उसमें आपको डाल देना है मटन। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु से नेगेटिव थिंग्स रिगार्डिंग फूड, सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग ऑल दिस शी, दिस इज़ यक, हाउ कैन समबडी ईट। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये ब्रेड एंड बटर होता है, बहुत सारे लोग अपना घर चलाते हैं केटरिंग करके या फिर वहाँ पे काम करके। सो ये टमाटो और ओनियन हमने डाल दिया इसके अंदर और बस ये आपका जो मसाला है नान चाप का ये रेडी हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही इजी मसाला है, बहुत ही क्विक बनने वाला है। बस अगर आपका मीट पहले से प्री बॉइल्ड है तो ये तो और जल्दी हो जाता है। तो आप इसे इस स्टेज पे फ्रीज कर सकते हैं फॉर अराउंड 30-35 days तक। तवा ले लीजिए, गरम तवा होना चाहिए, थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल के थोड़ा मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा चॉप्ड ओनियन, हरा धनिया, बस एंड योर लाइफ इज़ सिंपल। थोड़ा सा फ्राई करना है आपको इसे। और नान होता है बॉम्बे में, तो ये हर जगह हर बेकरी में मिलता है, आपके स्टेट सिटी में मिलता है मुझे पता नहीं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वहाँ पे इसे क्या कहते हैं। सो आपको बीच में से इसे सैंडविच कट करना है और इसे डाल देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो आप इंग्रेडिएंट लिस्ट, ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और बहुत सारा प्यार टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।